Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying robotics. In this lecture, we will study robotics in India. Now start the lecture and understand what is robotics. See, robotics technology की वह branch होती है जिसमें robots की study की जाती है या technology की वह branch है जो कि deal करती है कि robots की design कैसे होनी चाहिए, robot का construction कैसे हो, रोबोट्स के एप्लीकेशन क्या हो या रोबोट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए, राइट? तो 3 मार्कर के लिए हम ये सीधा जो है उत्तर जो है एग्जाम में लिख सकते हैं, रोबोटिक्स इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, स्ट्रक्चरल डिपोजिशन, मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रोबोटिक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी that produce machines known as robots and robots substitute human actions. जो term robot है उसका मतलब क्या होता है? तो in today's language robot means hard working bonded labor and Joseph Angel Worker is known as father of robotics, right? Now let's understand what is robot. तो देखिए, robot is a specially designed developed machine. So robot is a machine specially one programmable by a computer capable of carrying out a complex series of actions automatically. Robots जो है वो can be guided by external control device और control जो है वो robot के अंदर embedded भी हो सकता है. Robots may be constructed to evoke human form. और जो रोबोट्स ह्यूमन फॉर्म में होते हैं या उनका जो लुक है वो ह्यूमन जैसा होता है, उनको ह्यूमनाइड रोबोट भी कहा जाता है. बट मोस्ट रोबोट्स जो है वो टास्क परफॉर्मिंग क्या होती है, मशीन्स होती हैं डिजाइंड विद एन एम्फेसिस ऑन स्टार्क फंक्शनैलिटी रेदर देन एक्सप्रेसिव एस्थेटिक्स, राइट? नाउ in the previous lecture we have studied robotics, right? Robot. Then we have studied history of, right, history of robots or history of robotics. After that we have seen the leading robots of the world. We have studied components of robots. Also we have studied the types of robots, right? और इनको हमने 3 मार्कर के लिए या इन टॉपिक से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने बहुत अच्छे से जो है समझ लिया है. नाउ वी विल स्टडी रोबोटिक्स इन इंडिया और स्पेशली इंडिया के जो लीडिंग रोबोट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम जो है फोकस करेंगे, राइट? तो अब हम यहाँ से जो है पढ़ना शुरू करते हैं, लीडिंग रोबोट्स इन इंडिया. और यहाँ से भी जो है 3 मार्कर के क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. जैसे व्योमित्रा है या फिर जो कुछ जो रोबोट्स हैं वो 5 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, राइट? जैसे डीआरडीओ का जो दक्ष रोबोट है वो 5 मार्कर में पूछा जा सकता है. व्योमित्रा, ये कुछ जो रोबोट्स हैं जो कि न्यूज में है वो 5 मार्कर में आ सकते हैं. बाकी के जो रोबोट्स हैं वो 3 मार्कर में पूछे जाएंगे, राइट? एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड एज अ 3 मार्कर, राइट? तो इसमें आपको यही बात याद रखनी है कि सबसे पहले उस रोबोट की जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, राइट, वो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में उसका इन्वेंशन किसने किया है, राइट, और कब किया है, ये 3 पॉइंट भी अगर आप 3 मार्कर में लिख देते हैं दैन डेफिनेटली यू वुड फाइंड या यू वुड गेट मैक्सिमम मार्क्स. सो लेट्स स्टडी leading robots in India and the first is Vyommitra, right? So Vyommitra is a female looking, right, spacefaring humanoid robot. तो पहली चीज तो क्या है, ये humanoid robot है, मतलब ये है human की तरह क्या होता है दिखाई देता है. Second thing is that कि ये female looking है, ये female humanoid robot है और space क्या है, फेयरिंग है, राइट? और इसको गगनयान जो प्रोग्राम है, इंडिया का जो गगनयान प्रोग्राम है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में स्टडी करने के लिए जो है लॉन्च किया जाएगा, राइट, उसमें ये उन क्रू को क्या करेगा, हेल्प करेगा, राइट? साथ ही साथ ये इसको पहली बार कब अनवील किया गया था, तो 22 जनवरी 2020 में किया गया था। कहां पर? बेंगलोर में किया गया था। तो इतने पॉइंट जो है आपको व्योमित्रा के बारे में पता होना चाहिए। तो व्योमित्रा इज अ फीमेल लुकिंग स्पेस फायरिंग ह्यूमनाइड रोबोट एंड इट वाज डेवलप्ड बाय इसरो टू फंक्शन ऑन बोर्ड द गगनयान अ क्रू ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। तो ये जो है ऑन बोर्ड गगनयान में क्रू मेंबर को क्या करेगा, जो है हेल्प करेगा। एंड व्योमित्रा वाज फर्स्ट अनवील्ड ऑन 22 जनवरी 2020 इन बेंगलोर। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंद्रू हो जाएगा। तो इंद्रू भी इंडिया का एक क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है, और ये इंडिया का क्या है, टालेस्ट रोबोट है। तो इंद्रू इज अ ह्यूमनाइड रोबोट राइट व्हिच वाज बिल्ट इन इंडिया एंड इट इज द टालेस्ट रोबोट ऑफ इंडिया। देन हो जाएगा यहाँ पर ब्रावो राइट। ब्रावो इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल क्या है, रोबोट है। हमने वहां पर देखा था कि जो यूनिमेट था, जो कि जॉर्ज डेवोल के द्वारा जो है बनाया गया था, तो यूनिमेट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट राइट। बट इंडिया का जो पहला इंडस्ट्रियल रोबोट है वो कौन सा है, ब्रावो है राइट। तो साथ ही साथ ये किसके लिए बनाया गया था, तो जो एम्प्लॉइज है नॉर्मली इंडस्ट्रीज में जो हजार्डस कंडीशंस होते हैं वहां पर राइट, वहां पर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सेफ्टी भी उतनी बेटर नहीं होती है राइट। वहां पर जो शॉर्टफॉल होता है उसको फुलफिल करने के लिए, या वहां पर एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज की जगह किसका, इस ब्रावो का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। इसको TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने 2017 में जो है बिल्ड किया था। तो ये 3 मार्कर के लिए हो जाएगा। तो ब्रावो इज द फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल रोबोट। It was developed to meet the shortfall in the number of employees, and it was developed by Tal Manufacturing Solutions in 2017. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर, लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी is India's first banking robot है। तो ये क्या है, banking robot है। तो लक्ष्मी is India's first banking robot, and in 2016 it was used by City Union Bank of right कुंभकोणम, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो इसको यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक ऑफ जो कुंभकोणम है उसमें, तमिलनाडु में इसको यूज किया गया था। फिर थर्ड क्या हो जाएगा, गरुड़ा हो जाएगा। तो गरुड़ा एक ऐसा रोबोट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं। तो गरुड़ा इज अ रोबोट विच इज यूज्ड फॉर राइट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मानव। ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो मानव एक क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको क्या है, ये 3D क्या है, प्रिंटेड है। तो ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है, जिसको दिल्ली में राइट, डेवलप्ड बाय दिल्लीज एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो मानव इज इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड humanoid robot which was developed by Delhi's ASAT Training and Research Institute. उसके बाद में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मित्रा हो जाएगा राइट right? तो मित्रा ऐसा रोबोट है जिसको बेंगलुरु बेस्ड रोबोटिक्स स्टार्टअप राइट इन्वेंटो रोबोटिक्स ने क्या किया है, डेवलप किया गया है राइट right? और इसको एक तरीके से जो PVR सिनेमा है राइट right? तो PVR सिनेमास में जो भी कस्टमर्स होंगे राइट उनसे इंटरेक्ट करेगा। साथ ही साथ जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक के कॉरिडोर्स में भी आप इससे बैंकिंग की जो है नॉर्मल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं राइट। तो मित्रा इज अ ह्यूमनाइड रोबोट राइट व्हिच वाज डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड रोबोटिक्स स्टार्टअप इन्वेंटो रोबोटिक्स एंड दिस रोबोट कैन बी फाउंड फ्लोटिंग ऑन द कॉरिडोर्स ऑफ केनरा बैंक एंड PVR सिनेमास इन बेंगलुरु चैटिंग विद कस्टमर्स। देन हो जाएगा यहाँ पर रोवर प्रज्ञान, और इसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। रोवर प्रज्ञान जो है ना, इसरो के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया एक जो है रोबोट है, और इसको चंद्रयान 2 में जो है यूज किया गया था। तो रोवर प्रज्ञान वाज डेवलप्ड बाय इसरो राइट एंड इट इज बेस्ड ऑन AI, और इसको यूज किसके लिए किया गया था, चंद्रयान 2 के लिए किया गया था। तो चंद्रयान 2 के लिए रोवर प्रज्ञान हो जाएगा। व्योमित्रा किसके लिए हो जाएगा, गगनयान के लिए हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ड्रोन भीम राइट। तो ड्रोन भीम इज इंडियाज इंडिजीनियस मतलब इसको इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है और ये सुपर पावर क्या है, ड्रोन है। तो ड्रोन बीम इज इंडियाज इंडिजीनियस सुपर पावर्ड ड्रोन एंड दिस इज यूज्ड इन डिजास्टर ऑपरेशंस राइट विद सिक्योरिटी फंक्शंस। तो जो डिजास्टर ऑपरेशंस होते हैं वहां पर लोगों को जो है बचाने के लिए सिक्योरिटी फंक्शंस के रूप में ड्रोन बीम का यूज किया जाता है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय आईआईटी खड़गपुर स्टूडेंट्स। देन हो जाएगा यहाँ पर कैंपा राइट कैंपा। अब कैंपा एक ऐसा रोबोट है which was built to suit the need of right Kampagoda International Airport Bengaluru right to answer the queries of passenger। तो इसको जो कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर इसको डिप्लॉय किया जाएगा और जो भी पैसेंजर की क्वेरीज है ये उनको क्या करेगा, आंसर देगा। तो कैंपा राइट कैंपा इज अ रोबोट built to suit the needs of the Kampagoda International Airport Bengaluru to answer the queries of passenger और इसको सिरेना टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। दिस प्रोवाइड्स फ्लाइट चेक इन एंड चेक आउट डिटेल्स। फिर क्या हो जाएगा, DRDO दक्ष हो जाएगा। तो व्योममित्रा और जो DRDO का दक्ष है यहाँ से 5 मार्कर के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो DRDO के दक्ष के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो ये इंडिया में डेवलप किया गया है। तो DRDO दक्ष या दक्ष रोबोट जो है, तो दक्ष रोबोट इज मेड इन इंडिया रोबोट। तो दक्ष रोबोट इज मेड इन इंडिया रोबोट एंड इज प्राइमरली डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिकवर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस IEDS राइट। तो IEDS को डिटेक्ट करने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है। तो दक्ष इज मेड इन इंडिया रोबोट एंड इज प्राइमरीली डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिकवर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस राइट। और अगर कोई भी जैसे ड्यूरिंग दिस अगर एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है उसमें ब्लास्ट भी हो जाता है तो इससे ह्यूमन लॉस नहीं होगा। इसको डेवलप किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा एंड इट वाज इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी राइट। तो इसको इंडियन आर्मी में इंडक्टेड किया गया है। यूजिंग इट्स एक्सरे विजन दक्ष कैन आइडेंटिफाई अ हजार्डस ऑब्जेक्ट एंड कैन डिफ्यूज इट विद अ जेट ऑफ वाटर। तो ये एक्सरे से जो भी हजार्डस ऑब्जेक्ट हैं या एक्सप्लोसिव आइटम्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है और जेट ऑफ वाटर से उसको क्या कर सकता है, डिफ्यूज भी कर सकता है। इसके अलावा दक्ष इज केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड इज केपेबल ऑफ टोबिंग अ सस्पेक्टेड व्हीकल अवे फ्रॉम अ क्राउडेड एरिया राइट। तो इस तरीके से अगर किसी बिल्डिंग में भी एक्सप्लोसिव कोई भी डिवाइस है तो ये स्टेयर्स को जो भी स्टेयर्स को क्लाइंब कर सकता है और वहां से उस एक्सप्लोसिव डिवाइस को जो है एक तरीके से क्या कर सकता है, उसको रिकवर कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई सस्पेक्टेड व्हीकल है जो कि क्राउडेड एरिया में है तो ये उसको भी क्या कर सकता है, टो करके जो है उस एरिया से बाहर ला सकता है राइट। तो कुल मिलाकर जो जितने भी हजार्डस ऑब्जेक्ट हैं या एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं ये उनको डिटेक्ट करता है और उनको रिकवर करता है राइट। चलिए तो ये 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद में हो जाएगा रश्मि। रश्मि ऐसा रोबोट है जो कि क्या है, हिंदी स्पीकिंग है। तो रश्मि इज वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग एंड इंडियाज फर्स्ट लिप सिंक क्या हो जाएगा, ह्यूमनाइड रोबोट हो जाएगा। तो रश्मि इज वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग एंड इंडियाज फर्स्ट लिप सिंक ह्यूमनाइड रोबोट। इट कैन 4 लैंग्वेजेस। तो ये 4 लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकता है। इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, भोजपुरी एंड मराठी and it was launched on August 1st 2018 क्लियर। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर एटलस हो जाएगा। तो एटलस जो रोबोट है उसको किसने डेवलप किया है, DRDO ने। तो एटलस इज अ रोबोट विच वॉज डेवलप्ड बाय DRDO एंड दिस इज यूज टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन फायर। तो ऐसे पीपल जो फायर में ट्रैप हो चुके हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए एटलस रोबोट का यूज किया जाता है। देन रोबोट क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। तो इसको छत्तीसगढ़ में डेवलप किया गया है। देन रोबोट वर्कर हो जाएगा, इसको केरला में डेवलप किया गया है। देन कोरोबोट हो जाएगा राइट। कोरो यहाँ से ध्यान रखना, ये कोरो को इंडिकेट करता है। तो कोरोबोट राइट। कोरोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट जिसको इंटरनेट से कंट्रोल किया जा सकता है, और ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको क्या करता है, उनकी केयर करता है। तो कोरोबोट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट कंट्रोल्ड बाय इंटरनेट, और ये कोविड-19 के पेशेंट को जो है केयर करता है। फिर क्या हो जाएगा, हैकर्ड हो जाएगा। तो हैकर्ड जो रोबोट है वो CSIR और CSIR के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया है। तो हैकर्ड रोबोट was developed by CSIR to maintain distance between patients of COVID-19. Clear? Now let's study institutions related to robotics in India, right? और यहाँ से भी जो different institutions हैं उनसे 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे 5 मार्कर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the या describe the various institutions related to robotics in India. So let's study various institutions in India related to robotics. The first is Bharatiya Electronics Limited VEL, right? ध्यान रखना ये VEL से different है, वो भारत Heavy Electronics Limited है, ये केवल क्या है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, लिमिटेड है। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड VEL ये इंडिया की पहली कंपनी है, the first company to develop indigenous robots at the production level. राइट तो इसने इंडिया में पहली बार जो इंडिजीनियस रोबोट्स को क्या किया था, डेवलप किया था। और जो VEL के द्वारा जो जितने भी रोबोट्स को डेवलप किया गया था वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे, पिक एंड क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, मतलब एक जगह से आइटम को पिक करना और दूसरी जगह पर प्लेस कर देना। तो VEL या भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया to develop indigenous robots at the production level, and these robots were pick and place type. Then second क्या हो जाएगा, हैदराबाद साइंस सोसाइटी हो जाएगा। हैदराबाद साइंस सोसाइटी डेवलप्ड द रोबोट बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक वेव सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो हैदराबाद जो साइंस सोसाइटी है उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रोबोट को क्या किया है, डेवलप किया है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइंस, जो कि कहाँ पर है, बेंगलोर में है, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड टेक जो रोबोट है उसको क्या किया है, डेवलप किया गया है। तो अ रोबोट बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, राइट, बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर, राइट। उसके बाद में ICAR हो जाएगा, 1 मिनट, राइट। तो ICAR हो जाएगा, और ICAR एक ऐसी, राइट, ये हो गया ICAR, ठीक है। तो CAIR हो जाएगा। अगला इंस्टीट्यूशन कौन सा हो जाएगा, CAIAR हो जाएगा। और CAIR इंडिया का बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, और ये जो है 5 मार्कर में भी जो है पूछा जा सकता है, CAIR, राइट। तो CAIR इज अ रोबोटिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो ये इंडिया में क्या है, रोबोटिक्स का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो CAIR इज अ रोबोटिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसको 1986 में डेवलप किया गया था एज अ लेबोरेटरी विद इन DRDO। तो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक लेबोरेटरी के रूप में 1986 में CAIR को क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, रोबोटिक्स है, राइट, कमांड एंड कंट्रोल है, नेटवर्किंग है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी है, इनमें क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से जो CAI है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, इंस्टीट्यूशन है। तो CAIR इज अ रोबोटिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 एज अ लेबोरेटरी विद इन DRDO। इट इज इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरियाज ऑफ artificial intelligence, robotics, command and control, networking, information and communication security. It has developed variety of controllers and manipulators. हमने देखा था कि कंट्रोलर वह कंपोनेंट होता है जो कि रोबोट के जो एक्चुएटर्स हैं, राइट, एंड इफेक्टर्स हैं और मैनिपुलेटर्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो जो CAIR है, हैज डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ कंट्रोलर्स एंड मैनिपुलेटर्स सप्लाइड टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड DRDO लैब्स। तो CAIR में डेवलप किए हुए जो कंट्रोलर हैं, मैनिपुलेटर हैं, उनको HAL और DRDO में सप्लाई किया जाता है। इट हैज आल्सो डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल UGV। तो अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल को इसने, इसका प्रोटोटाइप जो है तैयार कर लिया है। तो इट हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल that was used in the development of intelligent wheelchair that would help physically challenged, right? उसके बाद में अगला हो जाएगा, right? 1 minute। नेक्स्ट इज CAIR, राइट? CAIR मीन्स हो जाएगा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्या हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा, राइट? तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। देखिए ये इंडिया का रोबोटिक्स क्या है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 एज अ लेबोरेटरी विद इन DRDO। आपको पता होगा कि जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया में डिफेंस के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स को क्या करता है, जो इक्विपमेंट्स है उनकी रिसर्च की जाती है और उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसी के लेबोरेटरी के तौर पर जो है CAIR को जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इंडिया का एक रोबोटिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है which was established in 1986, right? और इसको as a laboratory के रूप में, DRDO की laboratory के रूप में 1986 में इसको establish किया गया था, right? यहाँ पर क्या किया जाता है, तो this CAIR is involved in research and development। अब किस में, तो research and development in the areas of artificial intelligence, robotics, right? command and control, networking, information and communication security, right? जो CAIR है, इसने different variety of controllers जो कि robots के जो actuators हैं, right, manipulator हैं या जो end effectors हैं, उनको control करता है। तो CAIR has developed a variety of controllers and manipulators supplied to public sector units, जैसे क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO। तो CAIR के द्वारा बनाए गए कंट्रोलर्स और मैनिपुलेटर्स को HAL और DRDO को सप्लाई किया गया है। ऑल्सो दिस CAIR हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप, और उसका नाम क्या है, अनमेन्ड, राइट, ग्राउंड व्हीकल। तो UGV, राइट, अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल, जिसका प्रोटोटाइप, राइट, CAIR ने क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है। दैट वाज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ an artificial wheelchair that was used in the development of an artificial wheelchair that would help the physically challenged right। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर राइट रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो देखिए रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया को कब एस्टेब्लिश किया गया था 2011 में। तो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 2011 एंड रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज एन एकेडमिक सोसाइटी। अब जो भी एकेडमिक सोसाइटी है मेनली वहां पर फोकस किया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वहां पर रिसर्च हो राइट वहां पर डिस्कशंस वगैरह हो राइट। तो The Robotic Society of India was founded in 2011 और ये एक academic society है to augment robotic activities in India and better interaction among the Indian robotic researchers right। तो robotics की field में बहुत अच्छा perform करने के लिए इंडिया में जो भी robotic activities अकर हो रही हैं right उनको augment करना और जो भी robotics researchers हैं right उनके बीच में बेटर इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करना ताकि वो अपनी रिसर्च को क्या कर सके अपनी रिसर्च को साझा कर सके राइट। इट ऑर्गेनाइजेस एडवांस इन रोबोटिक्स अ सीरीज ऑफ राइट बाईएनियल क्या हो जाएगा कॉन्फ्रेंस। तो यह 2 वर्षों में एक बार या बाईएनियल। तो इट ऑर्गेनाइजेस एडवांसेस इन रोबोटिक्स अ सीरीज ऑफ बाईएनियल कॉन्फ्रेंसेस टू प्रेजेंट एंड एक्सचेंज new ideas by the researchers and developers from India and abroad working in the field of robotics and its application। तो mainly जो Robotic Society of India है वो advances in robotics AIR एक series को जो है organize कराने के लिए जानी जाती है। clear? उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर All India Council for Robotics and क्या हो जाएगा Automation हो जाएगा right। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कब स्टेब्लिश किया गया है 2014 में स्टेब्लिश किया गया है राइट। और ये इंडिया की एक एपेक्स बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को क्या करती है सेट करती है किसमें रोबोटिक्स में ऑटोमेशन में राइट एंड एजुकेशन इंडस्ट्रीज में। और जो जितने भी मेंबर्स हैं राइट हेल्प्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन राइट इज द एपेक्स बॉडी दैट सेट्स अप स्टैंडर्ड्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड एजुकेशन इंडस्ट्री एंड हेल्प्स मेंबर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स टू सॉल्व डिफिकल्ट टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब 2019 की बात करते हैं तो 2019 में AICR ने एक न्यू इनिशिएटिव को क्या किया अनाउंस किया है राइट जिसका नाम क्या है AICRA टेक स्टार्टअप प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम विल एक्ट एज एन इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स ताकि जो जितने भी रोबोटिक्स की फील्ड में जो भी स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं उनका एक इंक्यूबेशन जो एनवायरनमेंट उनको मिल सके राइट इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट फॉर स्टार्टअप्स एंड अदर अर्ली स्टेज एडाप्टर्स वर्किंग ऑन द रोबोटिक्स एंड रोबोटिक प्रोसेस राइट ऑटोमेशन इन इंडिया। क्लियर। अब हम यहाँ पर समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट राइट। तो मेनली हमको इंडिया में जो लीडिंग रोबोट थे राइट उनको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है राइट लीडिंग रोबोट्स ऑफ इंडिया देन इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू रोबोटिक्स इन इंडिया उसको भी बहुत अच्छे से करना है। और ये जो टॉपिक है ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है हालांकि ये एक जनरलाइज्ड टॉपिक है आपको आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बट साइंस जो पेपर हमारा 3 है पेपर 3 में अगर हम जनरल वर्ड्स का यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हमको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे राइट। इसीलिए अगर रोबोट्स का जो एप्लीकेशन है वो पूछा जाता है जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का यूज करते हुए अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो है मार्क्स मिलेंगे राइट। तो ये जो है 11 मार्कर में पूछा जाएगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 11 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछे जाने की है राइट। तो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स ठीक है। अब देखिए जो रोबोट्स हैं वो स्पेसली एडवांस क्या है, रोबोट्स जो है वो एडवांस मशीन्स हैं जिनको डिफरेंट टास्क के लिए डेवलप किया जाता है, राइट, इन्वेंट किया जाता है और वो डिफरेंट डिफिकल्ट टास्क को एक्सिक्यूट भी कर पाते हैं। रोबोट्स का जो यूज है वो नाउ डेज डिफरेंट फील्ड में किया जा रहा है, जैसे क्या हो जाएगा, हेल्थ केयर हो जाएगा। तो नाउ डेज रोबोट्स का यूज वेरियस हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में किया जा रहा है, जैसे क्या हो जाएगा, राइट, असिस्टिंग सर्जरीज। नाउ डेज जो जितनी भी सर्जरी की जाती है उसमें रोबोट क्या करता है, असिस्ट करता है, राइट, डिसइंफेक्टिंग रूम्स, राइट, देन डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एजुकेशन, राइट, तो एजुकेशन की फील्ड में भी रोबोट्स का जो वाइडली यूज है वो किया जा रहा है। robots are used at home as well as in classrooms, right, and these include hands on programmable sets from lego, right, तो जो different जो lego हो जाएगा, right, और lego के जो different robots होते हैं उनसे students को कई theories को explain करने के लिए उनका use किया जाता है। 3D जो printers हो जाएंगे तो 3D printers with lesson plans, राइट, और इवन टीचर रोबोट्स लाइक EMYS, राइट, तो एम्स जो है वो एक टीचर जो है टीचर रोबोट है जो कि बच्चों को क्या करता है, टीच करता है। तो कहने का मतलब डिफरेंट रोबोट्स को जो है थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में या उनकी यूटिलिटी का यूज करते हुए एजुकेशन को इजी किया जा सकता है, या जो टीचर रोबोट है उनका भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो मानव हो जाएगा। मानव इंडिया का एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि फर्स्ट क्या है, 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट है, राइट। फिर अगला क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हो जाएंगे, राइट, तो रोबोट्स का जो यूज है वो रिसर्च की फील्ड में किया जा रहा है और रोबोट्स का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जाता है, राइट, जहां कहीं पर भी डिसास्टर होता है, राइट, तो व्हेन डिसास्टर अकर्स उस समय पे, राइट, लोगों को सेव करने के लिए, राइट, टू रेस्क्यू द पीपल, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए जो है रोबोट्स का यूज किया जाता है, राइट, चाहे कोई पीपल अंडर वाटर हो या डिफरेंट जो हजारदस्त कंडीशंस हैं उसमें अगर वो व्यक्ति है तो रोबोट्स के द्वारा उनकी लाइफ को जो है सेव किया जा सकता है। तो robots and drones are used for disaster response as they can often fit into places, right, where human cannot and can operate continuously without sleep, right। जो packbot robots हैं, packbot robots were used to inspect damage at the Fukushima, right, nuclear power station। अब चूंकि अगर कहीं पर जैसे न्यूक्लियर प्लांट हो उसमें रेडिएशन अगर एनवायरमेंट में स्प्रेड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो सकता है, इसलिए वहां पर पैकबोट रोबोट को यूज किया गया था। फिर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर रोबोट्स हो जाएंगे। तो नाउडेज वेरियस एक्टिविटीज में असिस्ट करने के लिए जो कंज्यूमर रोबोट्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, राइट, और वो AI क्या होते हैं, पावर्ड होते हैं। तो दीज AI पावर्ड रोबोट्स आर यूज टू हेल्प इन टास्क एंड चोर्स लाइक जैसे क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्लीनिंग हो जाएगा, राइट, लॉन मूविंग हो जाएगा, असिस्टिंग कंज्यूमर्स इन बैंक्स, या फिर क्या हो जाएगा, ट्रेन स्टेशंस हो जाएंगे, तो उनमें इनका यूज किया जा रहा है। फिर क्या हो जाएगा, एरोस्पेस किया जा रहा है, राइट, नॉर्मली स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो रोबोट्स होते हैं उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पावर सोर्स उनके पास में हो तो वो डीप स्पेस में या स्पेस में फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, और हमारे लिए जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। तो एरोस्पेस में रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, राइट। एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट्स यूज इन एरोस्पेस, तो एरोस्पेस में कई रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, राइट, जिसमें फ्लाइंग रोबोट्स भी आते हैं, राइट, जैसे स्मार्ट वर्ड रोबोटिक सीगुल हो जाएगा एंड राविन सर्विलेंस ड्रोन हो जाएगा, या नासा क्या हो जाएगा, रोबोनोट हो जाएगा। और नासा के जो रोबोनोट हैं, डेक्स्टर है, राइट, और भी कई हमने रोबोनोट के बारे में पढ़ा था, राइट, जो कि रोबोनोट है दैट ह्यूमनाइड दैट फ्लू टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो रोबोनॉट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को फ्ल्यू हुआ है। इसी के तरीके से इसरो ने भी अपना जो है व्योमित्रा को क्या किया है, लॉन्च किया है, जो कि गगनयान में, राइट, गगनयान में जो क्रू मेंबर होंगे उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर क्या हो जाएंगे, ड्रोन्स हो जाएंगे। तो रोबोट्स का यूज करके डिफरेंट ड्रोन्स भी क्या किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, राइट। ड्रोन्स जिनको आल्सो नोन एज अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, राइट, UAVs आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी हो जाएगा, सर्विलांस हो जाएगा, इमरजेंसी रिस्पांस हो जाएगा, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन हो जाएगा। तो जो ड्रोन्स हैं उनसे हमारे बॉर्डर एरिया पर सर्विलांस भी किया जाता है, राइट, और डिफरेंट उनकी यूटिलिटी होती है। देन उसके बाद में हो जाएगा एक्सोस्केलेटन्स हो जाएंगे, राइट। तो देखिए, ह्यूमन हैज लिमिटेड कैपेबिलिटीज, तो ह्यूमन जो है किसी पर्टिकुलर वेट के आइटम को भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूव कर सकता है, बट एक्सोस्केलेटन के माध्यम से, एक्सोस्केलेटन का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे आपने अवतार मूवी देखी होगी तो उसमें जो ड्रेन होते हैं जिसमें हम बैठ के, राइट, एक्सोस्केलेटन से वो जो है फाइट करता है, तो उसमें थे। तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है कि हम, मतलब एक तरीके से एक रोबोट है जिसके लेग भी है, हैंड भी है, और हम उसके अंदर उसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे हम मूव करेंगे वो भी वैसे ही क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो रोबोटिक एक्सोस्केलेटन्स आर यूज्ड फॉर फिजिकल रिहैबिलिटेशन एंड फॉर इनेबलिंग, राइट, फॉर इनेबलिंग पैरालाइज्ड पेशेंट टू लिव नॉर्मली अगेन। तो जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन है वो भी एक्सोस्केलेटन से पॉसिबल है। साथ ही साथ जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं, राइट, पैरालाइज्ड जो पेशेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, नॉर्मली रह सकते हैं। तो जो उनका पैरालाइज्ड ऑर्गन है वहां पर भी हम एक्सोस्केलेटन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल में या मिलिट्री एप्लीकेशंस में, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, जैसे आपने देखा होगा अवतार में, तो जो लार्ज साइज के एक्सोस्केलेटन्स होते हैं उनका इंडस्ट्रियल में या मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है, राइट। किसके लिए, मोबिलिटी के लिए, एंड्योरेंस के लिए, और कैपेसिटी टू कैरी हैवी लोड्स। तो हैवी लोड्स को जो है पिक करने के लिए, मोबिलिटी के लिए, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री में भी जो है एक्सोस्केलेटन्स का यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर वाटर ऑपरेशंस हो जाएंगे, राइट, अंडर वाटर ऑपरेशंस, राइट। तो देखिए, जो रोबोट्स होते हैं वो नेसेसरी सेंसर और टेक्नोलॉजी से क्या होते हैं, इक्विप्ड होते हैं, इसीलिए इनको जो है अंडर वाटर डॉक्स के लिए और वेंचर डाउन, राइट। तो रोबोट्स आर यूज्ड टू इंस्पेक्ट डॉक्स, राइट, एंड वेंचर डाउन टू द ओशियन फ्लोर टू सर्च फॉर रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए जो डॉक्स होते हैं उनके इंस्पेक्ट करने के लिए भी जो है एक्सोस्केलेटन्स का रॉकेट्स का यूज किया जाता है। तो ये एक जो है न्यू पॉइंट है यहाँ पर अंडर वाटर ऑपरेशन का, राइट। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड मिलिट्री हो जाएगा। तो देखिए, मिलिट्री में भी जो रोबोट्स हैं उनका यूज नाउअडेज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, राइट। मिलिट्री रोबोट्स इंक्लूड ग्राउंड सिस्टम्स लाइक, राइट, एंडेवर रोबोटिक्स, क्या हो जाएगा, पैकबोट हो जाएगा। अब जो पैकबोट है उसका यूज इराक एंड अफगानिस्तान में, राइट, अफगानिस्तान में किया गया था टू स्काउट फॉर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, राइट। एंड बिग डॉग, एक बिग डॉग रोबोट हो जाएगा डिजाइन टू असिस्ट ट्रूप्स इन कैरिंग हैवी गियर। तो बिग डॉग एक रोबोट हो जाएगा जिसका यूज कैरिंग हैवी गियर करने के लिए किया जाता है। फिर पैकबोट हो जाएगा जिसका इराक एंड अफगानिस्तान में किया गया था, राइट, या हमने देखा था इंडिया का क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, राइट। तो जो दक्ष है, राइट, ये इंडिया का हो जाएगा, राइट। तो दक्ष भी क्या करता है, जो IEVs, राइट, इनको भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, राइट। फॉर सिक्योरिटी रोबोट्स को ऑटोनोमस मोबाइल सिस्टम सच एज, जैसे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, या इंडोर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी इनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, राइट। एंड दीज रोबोट्स कैन बी यूज्ड एन एरे ऑफ सेंसर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल थ्रेट्स। तो कुल मिलाकर जो है रोबोट्स जैसे पैकबोट है या बिग डॉग है इनका भी यूज किया जाता है। फिर अगर हम देखते हैं तो इंडोर सिक्योरिटी है या आउटडोर सिक्योरिटी है गार्ड के रूप में भी, क्योंकि जो रोबोट्स होते हैं उनमें सेंसर्स होते हैं, तो जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होती हैं या फिर जो हार्मफुल डिवाइसेस होते हैं उनको ये क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, तो जो रोबोट्स हैं उनसे इंडस्ट्रियल फील्ड में डिफरेंट जो टास्क हैं वो इनसे कंप्लीट कराए जाते हैं। राइट, सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड the topic of robotics. Now we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you.